तो स्वागतम दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं सुमित, आप देख रहे हैं क्रिएटिव सुमित। तो मैं अभी क्रिएटिव मोड में क्यों हूँ, यह अभी आपको आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अभी मैं क्रिएटिव मोड में क्यों हूँ। और अभी मैं क्रिएटिव मोड में इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने घर के पीछे पोकी सेंटर और पोकी मार्ट बनाने वाला हूँ। तो मैं बहुत आलसी हूँ, इसलिए मैं क्रिएटिव मोड का यूज़ करूँगा। और ये एकदम ओरिजिनल आइडिया गाइस, कोई कॉपी नहीं करेगा, कोई कॉपी नहीं कहेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और आप इंजॉय करिए हमारा टाइम लैप्स। तो देखते रहिए, और अगर आपको एपिसोड पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड बाय बाय, देखते रहिए टाइम लैप्स। तो एक और बात मैं बताना भूल गया कि काफ़ी दिन से एपिसोड नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं आर्टिकुनो को पकड़ने गया था, और आर्टिकुनो को पकड़ने के वक्त मुझे आर्टिकुनो नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि आपका टाइम वेस्ट हम क्यों करें, इसलिए वो एपिसोड हम डालते ही नहीं हैं। तो और मैंने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, जैसा कि जो हमारे पिजियोटो थे वो पिजियोट में इवॉल्व हो चुका है, और अभी भी मेरे दिमाग में इनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, ये अभी भी मेरे लिए वही पिजी है जो पहले थे। और अभी मैंने एक और अपने फार्म में बहुत बड़ा चेंज किया है, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। और मैंने बी ड्रिल और बटरफ्ली को पकड़ा, जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं, और अभी आप हमारा टाइम लैप एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं ये वाला, जैसा कि आप पोकेबॉल देख सकते हैं, ये वाला बनाऊं या फिर अभी मैं आपको दूसरा बना के दिखाता हूं। दूसरा ये जो रेड कॉन्क्रीट है इससे बनेगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ऐसे ये प्लस का साइन आ जाता है ऐसे, या फिर जो पहले बना के दिखाया था आपको मैंने, दिखाता हूँ अभी वो फिर से बना के दिखाता हूँ। स्टेयर चाहिए उसके लिए हमें, पे और यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, ये गलत स्टेयर लग गई है। और
ये देखिए, ऐसा आपको अच्छा लग रहा है या फिर प्लस वाला? मुझे तो अभी ऐसा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक और तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हमें स्लैब्स चाहिए। दिखाता हूँ पहले आपको, ये वाला पहले आपको दिखा देता हूँ। ये वाला अच्छा लग रहा है नहीं, तो अभी दूसरा तरीका आपको मैं दिखाता हूँ। ये क्या टूट गया, इसे पहले रिपेयर कर लेते हैं। ये हो गया रिपेयर, अभी मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ। उसके लिए हमें चाहिए स्लैब्स, और अब आप शायद से समझ गए होंगे। ये हमारे पास आ गए हैं स्लैब, और ये वाला गाइस, ये वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं अभी यही वाला रखूँगा। ये थोड़ा मिसप्लेस है, मैं इसे प्लेस कर लेता हूँ, और तब तक आप इंजॉय करिए हमारा टाइम लैप्स। तो अभी हमारा बुकिंग सेंटर कंप्लीट हो चुका है, और ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो अभी हमारा बुकिंग सेंटर कंप्लीट हो चुका है, भले ही क्रिएटिव में हो लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, और अभी इसे सजाना बाकी है, तो चलिए सजाना शुरू करते हैं। तो मैं अभी बना रहा हूँ पोकेबॉल वाली चटाई, होप कि आपको ये पोकेबॉल वाली चटाई अच्छी लगे। तो देखिए कैसे मैं बनाता हूँ पोकेबॉल वाली चटाई।
तो गाइस अभी हमने बना लिया है पोकी सेंटर, आप मैं दिखाता हूँ। भले ही मैंने क्रिएटिव में बनाया हो लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और अभी हम बनाएंगे वो दुकान, पोकीमोन वाली दुकान। आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये। और मैंने कुर्सियाँ भी लगाई है बैठने के लिए। और अभी हम बनाएंगे पोकीमोन वाली दुकान मीन्स पोकीमार्ट। तो देखिए कैसे मैं बनाता हूँ पोकीमोन वाली दुकान। तो बाय। तो अभी हमने ये जो पोकीमोन वाली दुकान है ये पूरा बना लिया है। अभी इसमें सामान रखना बाकी है। ये थोड़ा छोटा है लेकिन कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। छोटे बड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस काम होना चाहिए अच्छा। तो अभी इसमें सामान रखते हैं। तो ये मैंने बना दिया है जैसे वो किराने की दुकान पे होता नहीं है जहाँ पे हम सामान लेते हैं, वैसा ही हमने बना दिया है। अभी हमें स्लॉट मशीन रखना है, तो स्लॉट मशीन हम मंगा लेते हैं क्रिएटिव से। ये हमने लिखा स्लॉट मशीन, ये स्लॉट स्लो ही लिखने पे आ गया। ये हम लगा देते हैं दो। ये जो हमने आखिरी में लगाया टेढ़ा है तो इसे हम हटाने का तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम इसे गायब कर देंगे। आप देख सकते हैं कैसे।
तो गाइस हमने पोकेमोन मार्ट और पोकेमोन सेंटर बना लिया है, अभी दोनों में दरवाजे लगाने बाकी है। अभी पोकेमोन सेंटर में भी हम दरवाजे लगा देते हैं और पोकेमोन सेंटर में हीलिंग मशीन रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं, ये हमने दरवाजे लगा दिए हैं और अभी हम रखते हैं वो हीलिंग मशीन। तो गाइस अभी हम गेट लगा देते हैं दोनों में, सॉरी गेट तो हमने लगा दिया है, हीलिंग मशीन लगा देते हैं। ये आ गया हीलिंग मशीन, अभी लगा देते हैं। ये सीधा लगे, आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा टेढ़ा लगा है। अभी हम इसे हटा देते हैं, शायद से इसे हटा देते हैं, इसे हटा सकते हैं, देखता हूँ। हाँ ये हट चुका है, फिर से ये टेढ़ा लगा और फिर से ये टेढ़ा लगा। ये सीधा कब लगेगा? ये अभी ऐसे टाई करते हैं, इसे खोल के ये फिर से टेढ़ा लगा, थोड़ा सा सीधा लगाने की कोशिश करते हैं। ये अभी टेढ़ा क्यों लग रहा है गाइस? ये सीधा लग चुका है, आप देख सकते हैं ये फिर भी बहुत ज़्यादा सीधा लग चुका है और ये काफ़ी है। अभी हम इससे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे और अभी हम पीसी लगा देते हैं यहाँ पे। ये इसे शायद से हम इससे नहीं हटा सकते, इससे हम ट्रेनर कार्ड कलर्ड ट्रेनर कार्ड से हटा सकते हैं। यहाँ ये शायद से अब नहीं हटेगा, तो ऐसे ही ठीक है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने पोकेमार्ट में भी कुर्सियाँ लगा दी है। और हाँ अभी मैं आपको बताना तो भूल ही गया कि यहाँ पे मैंने हॉपर लगा दिए है। इससे होगा क्या कि जब भी मैं ये गेम छोड़ता था तो डिस्पॉन हो जाते थे ये एप्रिकॉन्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा घाटा पड़ जाता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हॉपर लगा दिया और उसके ऊपर कारपेट। और ये देखिए हमारे पास अभी इतने हॉप एप्रिकॉन है। तो अब पक्का बाय।